नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल कंट्री यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पोको के M3 डिवाइस में PUBG मोबाइल गेम की टेस्टिंग, की किस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है पोको के M3 डिवाइस में जब हम PUBG खेलते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं ऐसे मोबाइल यानी गेम से रिलेटेड वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है प्रोसेसर थोड़ा पुराना देखने को मिल जाता है एंड थोड़ा वीक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही कैमरा से आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस शुरू करते हैं अपन सबसे पहले अपने इसकी सेटिंग्स के, कि इस पर हमें डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या देखने को मिल जाती है। तो गाइस अगर मैं इसको डिफॉल्ट करूँ तो यहाँ पर आपको जो है स्मूथ प्लस मीडियम का देखने को मिल जाता है, वहीं पर हम इसको हाई पे खेल सकते हैं एंड बैलेंस में मीडियम पर खेल पाएंगे, और यहाँ पर आपको जो है HD का सपोर्ट नहीं मिलता है इस डिवाइस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मूथ प्लस हाई की एंड यहाँ पर जो है स्मूथ और हाई पे एक TDM खेल के देखते हैं। सो गाइस TDM हो चुका है रेडी बिल्कुल, और चल के देखते हैं कि यार कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है। वैसे यहाँ पर थोड़ा लैगी लैगी सा एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे को गेम में 30 FPS पर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा अलग सा ही एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पर गेम की हम ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। इस फ़ोन की पोको M3 की परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर गेम के लिए थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लैगी लैगी सा एक्सपीरियंस हमें हो रहा है, फ्रेम ड्रॉप से काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। और गाइस मैच हारने वाले हैं हम यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा मैच हार चुके हैं, बहुत ही मजा आया मैच हार के हमें। तो जैसा कि आपने TDM में देखा एंड अब एक छोटा सा जो है क्लासिक भी लगा के देख लेते हैं एंड पोचिंग की में यहाँ पर सर्वाइव करके देखेंगे, पोचिंग की में उतर के देखेंगे। ये पबजी का कोरियन वर्जन है तो इसको खेलने में ज़्यादा मज़ा मैसे भी नहीं आ रहा है। तो गाइस पोचिंग की लेके जंप कर दिया है एंड लैंडिंग होने वाली है अपनी पोचिंग की में। तो गाइस वैसे एक बात बताऊँ आपको, तो ये जो है अगर आप इसको GFX लगा के भी खेलना चाहोगे तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा में आप खेल सकते हो 40 FPS पर, फिर भी आपको जो है इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा देखने को, जो कि एक डिफॉल्ट सेटिंग में देखने को मिलता है। तो गाइस इसी के साथ अपन उतर चुके हैं पोचिंग की एंड पोचिंग की में जाकर करके देखते हैं थोड़ी सी गेम प्ले की कैसा मजा आता है इस गेम को खेलने में। हमारे एक साथी किसी ने नॉक कर दिया, उसके पास चलते हैं फटाफट। पूरे वारे मैंने एक भी नॉक कर दिया उसको यार। तो गाइस फटाफट बंदे ढूंढते हैं, मारते हैं यार, गेम फिनिश करते हैं। ऐसे घूमते घूमते तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आप जैसे गोली क्या वाले ही। ओ शिट यार, तो गाइस जैसा कि आपने देखा छुपके मार दिया उसने हमें, और यहाँ पर गेम प्ले हमें कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है पोको M3 की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पोको M3 की गेमिंग अच्छी अच्छी नहीं होने वाली है, तो यहाँ पर आपको जो है स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिल जाता है। तो गाइस मैंने उस टाइम भी आपको कंसिडर किया कि गेमिंग के लिए ले रहे थे कोई और लीजिए, ये बिल्कुल मत लेना गेमिंग के लिए, काफ़ी अच्छा नहीं है ये। एक नॉर्मल सी गेम प्ले आप कर सकते हैं, थोड़ा जो है लैगी लैगी सा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है आपको इसमें, जैसा कि आपने अभी देखा TDM में क्लासिक में। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता हूँ आप सबसे के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।